हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल अमन श्रीवास्तव ऑफिशियल। गाइस, जैसा कि ये मेरा नया व्लॉग है और आज हम लोग जा रहे हैं पीपल्स मॉल। काफ़ी बार जा चुका हूँ मैं, लेकिन भाई ये चेतन भाई और ये मेरे साथ है लक्की भाई, भी ब्लॉगर है और आज वो भी ब्लॉग बनाएगा। उसकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा, तो उसका भी ब्लॉग आप ज़रूर देखिएगा। तो ये भाई लोग अभी गए नहीं है पीपल्स मॉल और आज हम लोग जा रहे हैं फिर पीपल्स मॉल। वहाँ पर हम अच्छी अच्छी चीज़ें बनी हुई हैं, तो वहाँ का व्लॉग आप पूरा देखिएगा। और जैसा कि मैं बता दूँ गाइस, लास्ट में एक सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए, तो वीडियो पूरा देखिएगा। सरप्राइज़ को अभी मैं खोल नहीं सकता हूँ कि क्या सरप्राइज़ है, तो वो आप लास्ट में देखिएगा। तो अभी चलिए निकलते हैं और वीडियो पूरा देखिए। फाइनली हम लोग आ चुके हैं अभी पीपल्स मॉल। पीछे आप देख सकते हैं मेरे पीपल्स मॉल में, अभी मैं रोड पर हूँ और भाई लोग, जैसा कि हम लोग दो गाड़ी से आए थे, सभी लोग खड़े हुए हैं भाई लोग। अभी लोग हम लोग अंदर जाएंगे, जैसा कि पीछे देख सकते हैं आप, पार्किंग जोन बना हुआ है शिप के आकार में। वहाँ पर जो है हम लोग अभी गाड़ी वगैरह लगाएंगे और फिर एंटर होकर आपको पूरा ब्लॉग दिखाते हैं। फाइनली अभी हम लोग आ चुके हैं मॉल के अंदर, जैसा कि देख सकते हैं आप पीछे, और काफ़ी अच्छा मॉल है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिए एक बार अगर आए तो। और इंटीरियर व्यू मैं मॉल का आपको बताऊं तो जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया इंटीरियर व्यू है। और इसका अगर आउटलुक मैं आपको बता दूँ मॉल का, जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं, मैं बताता हूँ, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जो है ये बनाया गया है। और पीछे आप रेस्टोरेंट देख सकते हैं मेरे, ये रेस्टोरेंट। तो आगे का ब्लॉग आप देखते रहिए, मैं और भी चीज़ें यहाँ पर काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बनी हैं तो आपको बताता हूँ। सो गाइज, अभी मैं आ चुका हूँ ताजमहल के सामने, जो कि ताजमहल बना हुआ है मेरे पीछे, देख सकते हैं आप। और काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ का। मैं काफ़ी बार आ चुका हूँ पीपल्स मॉल, लेकिन मेरे दोस्त नहीं आए थे तो उन्हें घुमाने के उसमें आया हूँ मैं। एंड गाइज, जैसा कि मैं बता दूँ, एक साल पहले जो है मैं आगरा गया था, वहाँ का भी मैंने व्लॉग बनाया था ताजमहल का, और वहाँ भी काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी और वहाँ के जो है मकबरा वगैरह वहाँ भी घूमा था मैं। तो आगरा टूर का मेरा व्लॉग ज़रूर देखिएगा आप। सो गाइस, अभी हम लोग आए हैं ताजमहल के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे। और आप लोगों को लग रहा होगा गाइस ये फाइबर है, लेकिन ये जो है संगमरमर का ही बना हुआ है, जो कि ताजमहल आगरा में भी संगमरमर का, यहाँ पे भी संगमरमर का बनाया गया है, लेकिन बिल्कुल सेम नहीं बोलेंगे। साइज में बहुत छोटा है और वैसी फील ज़्यादा नहीं है, बट तो भी बहुत अच्छा बनाया है यहाँ पे ताजमहल। और काफ़ी अच्छा यहाँ पे जो है डेकोरेशन वगैरह बहुत ही सही है। गाइस, अब हम आ चुके हैं ताज होटल, पीछे आप देख सकते हैं ताज होटल। यहाँ पे जो है मुंबई वाली ताज होटल से याद होगा आपको, जिसमें अटैक हुआ था, टेररिस्ट वाला अटैक जो हुआ था, उसी का जो है छोटा बिल्डिंग यहाँ पे बनाई गई है। अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं, अंदर भी यहाँ पे अलाउड है जाना, आप भी आइए एक बार ज़रूर देखिए। और अंदर से भी काफ़ी अच्छा बनाया है गया है। ये पीछे जो आप देख सकते हैं वाटर पार्क है, यहाँ इस समय वाटर पार्क, जैसे अगर आप आना चाहें तो वाटर पार्क भी आ सकते हैं। काफ़ी अच्छा और बड़ा वाटर पार्क है और नामी वाटर पार्क है, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर का सबसे सही वाटर पार्क मैं इसी को मानता हूँ। कि गाइस, काफ़ी अच्छी अच्छी स्लाइड्स हैं यहाँ पर, मैं काफ़ी बार आया हुआ हूँ और काफ़ी इन्जॉय किया है मैंने इस वाटर पार्क में। तो एक बार आप भी ज़रूर आइए ये वाटर पार्क में और इन्जॉय करिए।
अभी हम लोग आ चुके हैं आईफिल टावर में। आर्यन भाई मेरे साथ, भाई कैसा लग रहा है पीपल्स मॉल यहाँ से? गाइस बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ पे घूमने का, बहुत मजा आ रहा है एक तो, और काफी अच्छा नज़ारा है। जैसे कि हमारे बहुत सारे फ्रेंड हमारे साथ है और बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम। हाँ बिल्कुल गाइस, ये लक्की भाई भी वीडियो बना रहा है अभी। और भाई कैसा लग रहा है अभी पहली बार? भाई बहुत ऑसम लग रहा है भाई, भाई एकदम, मतलब मैं क्या बताऊँ कि ऐसा फील आ रहा है मेरे को, ऐसा पेरिस जैसा फील आ रहा है इधर पे। बिल्कुल गाइस बहुत बढ़िया है, कर रहा हूँ बहुत बढ़िया लोकेशन है गाइस यहाँ की, एक बार ज़रूर आइए आप। और जैसा कि वेडिंग शूट वगैरह आपका अगर करवाना हो तो यहाँ पे आइए, बहुत ही बढ़िया जगह है ये। एंड कोई रोक टोक नहीं है यहाँ पे, कैमरा वगैरह या फिर फ़ोटो शूट की कोई रोक टोक नहीं है, आप ले सकते हैं यहाँ पे। एंड एक बार ज़रूर ट्राई करिए। Guess you got all you wanted. Yeah, I don't know why suddenly you're gone. You'll never be forgotten. Pretending no one is to blame. Too late to reignite our flame. गाइस अब हम लोग जा रहे हैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के ऊपर साइड पे, जो है सबसे टॉप पर जा रहा है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के। जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं काफ़ी अच्छे जो है गुब्बारे लगे हुए हैं पानी के, और ये भाई पीछे ब्लॉगिंग करते हुए आ रहा है भाई। तो बहुत बढ़िया जो है लोकेशन यहाँ का काफ़ी अच्छा है, फ्रेश एनवायरनमेंट प्लस काफ़ी अच्छे सीन्स बने हुए हैं जैसा कि फ़ोटो क्लिक करने के लिए। और भोपाल ही नहीं पूरे इंडिया से लोग यहाँ आने घूमने आते हैं पीपल्स मॉल में, क्योंकि गाइस पूरे वर्ल्ड के जो 7 वंडर्स हैं वो आपको एक ही जगह पे यहाँ पे मिल जाते हैं, तो इससे अच्छी चीज़ कुछ हो नहीं सकती। क्या आ रहे हैं भाई है कि? बिल्कुल बिल्कुल। और तो आप लोग भी एक बार ज़रूर आइए यहाँ पर, अभी हम लोग जा रहे हैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के ऊपर और वहाँ से आपको पूरा सीन दिखाते हैं। तो गाइज अभी हम लोगों ने ग्राउंड जो है बाहर काफ़ी चीज़ें बनी वो सब हमने घूम लिया है, और अब हम जा रहे हैं अंदर जो कि मॉल है, और मॉल का भी मैं काफ़ी अच्छे अच्छे शॉट्स आपको बता रहा हूँ। काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बनी हुई है मॉल में, जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं आउटलुक, मॉल का आउटलुक है ये, जो है बहुत बढ़िया लग रहा है। और अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर मॉल के और वहाँ मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं मॉल में और काफ़ी अच्छी चीज़ें बनी हुई हैं जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे। और जैसा कि मैं आपको बता दूँ कि ये जो है नीचे जो एयरपोर्ट टाइप का जो है पूरा बनाया गया है यहाँ पर। गाइस स्कैरी हाउस से लेके गेम जोन पूरी चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी, जो और जो नॉर्मली मॉल में रहती हैं। और शॉपिंग मॉल भी है, ये नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ घूमने का है, शॉपिंग मॉल भी है, सभी चीज़ यहाँ पे आपको मिलेंगी। जो पीछे आप देख सकते हैं ये जो है पानी भरा हुआ है, ये अभी चालू नहीं हुआ, ये कुछ शिप वगैरह का कुछ डिज़ाइन किया हुआ है यहाँ पर। और जैसा कि ये पीछे देख सकते हैं बच्चों के लिए मिक्की माउस का जो है झूला भी लगाया गया है। और भाई अब हम ब्लॉग एंड कर रहे हैं तो भाई से पूछ लेते हैं कि कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा भाई का। भाई अभी तो मैं इधर मॉल का तो मेरा पहला, मतलब ये ऐसा जो मैंने बनाया था वो मेरा पहला वीडियो था ब्लॉग, मतलब पहले ही ब्लॉग कहलाएगा जो उससे पहले मैंने ब्लॉग डाला था, मतलब उसका इतना खास रिस्पॉन्स नहीं आया था। तो बेसिकली मैं इतना बोलूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, एंड भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, मतलब तो भाई करना। भाई का चैनल मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, तो वहाँ पे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, भाई को सपोर्ट करिएगा जैसा मुझे करते रहते हैं। और याद रखना लास्ट में जो मैंने बताया था एक सरप्राइज था गाइस, वो मैं आपको बता दूं कि परसों यानी 10 अगस्त को मेरी शॉर्ट फिल्म रिलीज़ होने वाली है देसी बीट्स पर, जिसका नाम है टीका द प्राइड ऑफ इंडिया। और जो वैक्सीनेशन पर है, क्योंकि गाइस अभी गाँव देहात में काफ़ी लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं, और उनको एक जागरूकता करने के लिए हम लोगों ने एक शॉर्ट फिल्म बनाई है जिसका नाम है टीका द प्राइड ऑफ इंडिया, जो कि 10 अगस्त यानी परसों रिलीज़ हो रही है ऑन द यूट्यूब चैनल देसी बीट्स पर। उसकी चैनल की लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा, तो वो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, धन्यवाद।